प्यारे विद्यार्थियों, कल मैंने आपको बताया कि पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वैसे तो पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, जस्ट जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है उसको अगर एनुअल कैश इनफ्लो बिफोर द डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स हम डिवाइड करें तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 10 पीरियड में, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स, तथा उसके बेस पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। इसमें दो बातें आई हैं, एक कि डेप्रिसिएशन से पहले एनुअल कैश इनफ्लो क्यों कैलकुलेट किया जाए, और दूसरा एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड क्यों एनुअल कैश इनफ्लो में ऐड होता है और क्यों इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड में ऐड होता है। तो वन बाय वन हम आज इसकी मोर एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखो कि जो भी प्रॉफिट दिया जाता है, नेट प्रॉफिट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, अलग अलग मशीनों के लिए, तो जो ये नेट प्रॉफिट निकलता कैसे है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं डेबिट साइड में होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं क्रेडिट साइड में होते हैं, उसका डिफरेंस होता है नेट प्रॉफिट, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। अब जो एक्सपेंसेस है वो कैश में भी हो सकते हैं और इन मतलब इससे हम कह सकते हैं कि इन कैश में हो सकते हैं और कैश में नहीं भी हो सकते। ऐसी इनकम कैश में हो सकती है, कैश में नहीं भी हो सकती, जैसे क्रेडिट सेल हम कहते हैं, और जैसे एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। तो ऐसी जो डेप्रिसिएशन है वो कैश में एक्सपेंसेस नहीं है, पेमेंट नहीं हुई, हमारी एसेट की वैल्यू कुछ कम हो गई, तो हमने जो एनुअल कैश इनफ्लो लेना है वो है तो नेट प्रॉफिट, पर वो कैश में होना चाहिए, क्योंकि हम जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे उसमें एज एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन घटा देते हैं। मींस जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, यहां इनकम थी और यहां एक्सपेंसेस था, तो इस इनकम में पहले ही लेस हो गया है डेप्रिसिएशन, ये ऑलरेडी लेस होके ये वैल्यू आई है। अगर हम वापस इस स्थिति में जाना चाहें तो ये डेप्रिसिएशन को हमें जमा करना पड़ेगा, मींस इसे प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, तो ये डेप्रिसिएशन कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हम ये जो डेप्रिसिएशन है बिफोर कहते हैं, वो स्थिति बनानी पड़ती है, अर्थात जितना नेट प्रॉफिट है उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करना ही पड़ता है। अब दूसरी बात आ गई एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड की, ये एनुअल कैश इनफ्लो का हिस्सा है, क्योंकि जब हमने प्रॉफिट निकाला था उस समय बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता पड़ गई। मान लो कि हमने कच्चा माल खरीदना है, मान लो कि हमने कोई करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है, उसके लिए वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता थी। वो प्रॉफिट जो पिछले वाला प्रॉफिट था उसमें से ही हमने यूटिलाइज किया है, यूज किया है, इसलिए ये एनुअल कैश इनफ्लो का हिस्सा है, ये इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड का भी हिस्सा है, क्योंकि ऑलरेडी इस इन्वेस्टमेंट में जो भी हम मशीन करें, हो सकता है कि मशीन को रिपेयर करने के लिए कुछ कैश की आवश्यकता हो, वो भी हमारी वर्किंग कैपिटल बनती है रिक्वायरमेंट, तो इसलिए हम इसको इसमें भी ऐड करते हैं, दोनों में ऐड होगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच।